गुड इवनिंग वंस अगेन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसटीआईएस पीसीएस एकेडमी एंड स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योग्राफी क्लास। अभी तक हमने साउथ अमेरिका, देखो ये रीजन जो है हमारा, दिस इज साउथ अमेरिका। अभी तक हमने साउथ अमेरिका की कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ठीक है, साउथ अमेरिका कवर कर लिया है पॉलिटिकल एंड फिजिकल। इसके बाद हमने अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका से थोड़ा ईस्ट और जाएंगे तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कवर कर लिया है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका के ऊपर जाना है हमें, थोड़ा नॉर्थ की तरफ। दिस इज यूरोप, यूरोप रीजन। तो हमें यूरोप की डिटेलिंग पॉलिटिकल एंड फिजिकल पढ़नी है, ठीक है। तो अभी यूरोप से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा कि कौन कौन सी कंट्रीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए कि साउथ अमेरिका में कंट्रीज याद आ रही होंगी, देखो एकदम बेसिक डायग्राम दिख रहा है कि हमने यहां पढ़ ली थी कौन सी, फ्रेंच गुयाना इधर, सूरीनेम, फिर गुयाना इस रीजन में, वेनेजुएला था, ये जो टच कर रहा है नॉर्थ अमेरिका से ऊपर ये कोलंबिया है, ठीक है। इधर आगे की तरफ इसके आइलैंड्स हैं इधर इंपॉर्टेंट वाले, गैलापागोस, इक्वाडोर देश, ये इधर साइड वाला, दिस इज पेरू। इधर एक देश था अंदर जो कि लैंडलॉक था, इसका नाम बोलीविया, ठीक है, ये पतला सा देश एकदम इस रीजन में, चिली, ये इसके बगल में थोड़ा बड़ा वाला, अर्जेंटीना, इधर एक और देश है लैंडलॉक, नाम इसका पैराग्वे, बाहर वाला एक देश छोटा सा उरुग्वे, ठीक है, और ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील। साउथ अमेरिका की कंट्रीज हमने याद है, हमें हम कर भी चुके हैं यार, हमने बहुत सारी इसकी डिटेलिंग और बहुत रिवीजन कर भी लिया था। अब एक दो सवाल है फिजिकल से पूछ लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको रिवाइज आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो देख के ही बताना है, जो याद है उसी से बताना है कि अपना रिवाइज नहीं करना है। सबसे पहले सबसे बेसिक, ये कौन सा माउंटेन रेंज है, ये जो पूरा है ये कौन सी माउंटेन रेंज है बताइए, ये जो माउंटेन रेंज है ना ये वाली, दिस इज एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है ना, एंडीज। क्यों पढ़ते थे एंडीज, कि वर्ल्ड की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कौन सी है, एंडीज। यहां हमने एक लेक पढ़ा है, लेक इधर हमने एक लेक पढ़ा है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है, कौन सा लेक पढ़ा था, तो नाम था उसका पीटी काका, ठीक है, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर के पास था, याद आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे ब्राजील के तीन ग्रासलैंड्स हैं, उनके नाम बताओ, तीनों सी से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने हर बार जब भी रिवाइज करवाया जरूर पूछा जाएगा सवाल, तीनों ब्राजील के ग्रासलैंड्स कौन कौन से, कटिंगास, कैंपोस और सेराडोस, कटिंगास, कैंपोस एंड सेराडोस कहां है, ब्राजील के। एक हमने नाम पढ़ा था यहां पे इस रीजन में, ऐसे बड़ा बड़ा नाम दिख रहा है, बहुत डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, मतलब यहां क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, वन है यहां, वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है यहां, तो उसका एक नाम था, क्या नाम था, सेल्वास, ऐसे लिखा भी होगा एटलस में लिखा रहता है, अभी देखना नहीं है, अभी याद करना, रिमाइंड करवाना है खुद को, सेल्वास नाम पड़ा था साउथ अमेरिका में, ठीक है, और किसके लिए फेमस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद हमने एक नाम देखा था इस रीजन में, ये भी ग्रासलैंड था, ग्रासलैंड घास का मैदान, बड़ा इंपॉर्टेंट, पंपास, ठीक है, पंपास घास का मैदान कहां है, अर्जेंटीना वाले रीजन में है, ठीक। एक हमने रिवर पढ़ी थी
ये जो जा रही है ऐसे करके, कौन सी वाली रिवर है ये? एमेजॉन रिवर, ये तो याद है सबको, एमेजॉन स्टार्टिंग फ्रॉम मंटारो, सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा और माउथ मोहाना मकापा, तीन एम पढ़ाए थे ब्राजील, मतलब जो अमेजोन रिवर के संग तीन एम पढ़ाए थे, मंटारो मडीरा मकापा। ठीक है, यहां पे एक रिवर आ रही है ऐसे ट्राई जंक्शन से भी निकल जाती है, यहां पे डैम है इस रिवर पे, रिवर का नाम पराना और डैम का नाम इताइकू डैम, याद आ रहा है कि नहीं? दो डेजर्ट थे, एक ये डेजर्ट दिख रहा है देखो इस क्षेत्र में सूखा सा दिख रहा है एकदम, और एक यहां है मरुस्थल, दो मरुस्थल थे, इसका नाम अटाकामा और इसका नाम पैटागोनियन। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट मरुस्थल एंड पैटागोनियन। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि अगर जैसे इसके अलावा देखें, इसको इरेज कर देते हैं अपन, ठीक है ना, फिर हम लोग आ गए थे कहां पे? अफ्रीका पे, अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया था हमने, अफ्रीका को देख लो, देख के थोड़ा ऐसे देखने से ज्यादा चीजें याद हो जाती है बेहतर, जितना हम लोग देखेंगे कितना डाइवर्सिफाई करेंगे, जितना मैं कोशिश करता हूँ जितना बेहतर से बेहतर आपके लिए ला पाऊं ताकि आपको ज्यादा याद हो सके। तो ये बता दो कि जैसे एक देख रहा था मैं यहाँ नीला नीला कलर दिख रहा है, वाटर बॉडी है इधर एक, तो ये कौन सा लेक है, ये कौन सा लेक है बीच में एकदम, और इधर थोड़ा इस जो यहाँ जो लेक है थोड़ा अलग भी दिख रहा है थोड़ा दूर, और यहाँ भी देखो तो कुछ लेक्स हैं, एक ये लेक है, एक ये लेक है, एक ये लंबा सा लेक है, एक ये इधर लेक है, ठीक है, एक इधर एक लेक दिख रहा है, एक हमने यहाँ पढ़ा था इस रीजन में, एक हमने यहाँ पढ़ा था, एक हमने यहाँ पढ़ा था लेक, ठीक है ना। तो बताओ नाम सबके, इसका नाम तुर्काना लेक, तुर्काना झील है सारी झीलें, इसका नाम विक्टोरिया, इसका नाम न्यासा, मल्लावी वाली है ये न्यासा या मल्लावी, इसका नाम क्या है करीबा, कौन सी रिवर पे करीबा, जाम्बेजी रिवर पे था, इन दोनों के नाम ऊपर वाले का एल्बर्ट, ठीक है, इस वाले का नाम एडवर्ड और इस वाले का नाम लंबा वाला जो पढ़ा था लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका तंगनाइका, ठीक है तंगनाइका, एक हमने यहां पढ़ा था घाना देश के पास वोल्टा, घाना देश लेक वोल्टा, एक माली में पढ़ा था, माली में नया पढ़ा था फैग्वी वाइन, फैग्वी वाइन, एक पढ़ा था इधर जिबूटी, जिबूटी में असल, असल, ठीक है ना। ये कौन सा बड़ा मरुस्थल है पूरा, कौन सा डेजर्ट है ये, क्या नाम है इसका, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कौन सा मरुस्थल है सहारा डेजर्ट, सहारा बहुत बड़ा है सहारा। यहां पे लीबिया के पास एक और था छोटा सा, इसका क्या नाम था, लीबियन, लीबियन डेजर्ट, ठीक है लीबियन डेजर्ट, दो हो गए ना, और कौन सा था देखो इधर था, यहां देश कौन सा है बताओ, देश इस रीजन में एक देश है जहां डेजर्ट पड़ा था, एक मरुस्थल पड़ा था, तो दो नाम आने चाहिए सर, एक तो यहां है नामीबिया, तो दिस इज रीजन, ये जो रीजन है ये वाला, ये है नामीब डेजर्ट, ठीक है नामीब मरुस्थल, और एक इसके बगल में है बोट्सवाना, तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा वाला है, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद हमने रिवर्स देख ली थी कुछ, जैसे कि रिवर्स में हमने देखा था ये यहां से रिवर बह रही है ऐसे करके, है ना, इसकी खासियत थी कि डीपेस्ट रिवर, विश्व की सबसे गहरी नदी है ये, क्या नाम है इसका, कॉन्गो, कॉन्गो, ठीक है। एक ये देखो यहां से रिवर जा रही है, एक यहां से जा रही है ऐसे करके, यहां मिल रही है, और एक यहां से आ रही है ऐसे करके,
और फिर दोनों ऐसे करके ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है। ये कौन सी है? व्हाइट नाइल, दिस इज ब्लू नाइल, एंड ये दोनों मिला के नाइल कहां मिली? खार्तूम। खार्तूम किसकी कैपिटल है? खार्तूम सूडान की, ठीक है ना, सूडान की कैपिटल। एक रिवर यहां पड़ी थी इस रीजन में, ऐसे करके आ रही है। कहां से आ रही है? लोमा माउंटेन्स। कौन सी रिवर? नाइजर। कौन सा पोर्ट? हारकोट। पोर्ट हारकोट, रिवर कौन सी है? नाइजर, ठीक है ना। पोर्ट हारकोट, कौन सा देश है ये? देश बताओ, कौन सा देश है? नाइजीरिया। बड़ा वाला भाई नीचे नाइजीरिया, ऊपर वाला नाइजर। नाइजर ठीक है। यहां पे हमने पढ़ा था सबसे आगे वाला देश सोमालिया, इसका एक पोर्ट पढ़ा था, पोर्ट सोमालिया का, सोमालिया का एक पोर्ट पढ़ा था, नाम था इसका बेरबेरा। अरे याद होगा, बेरबेरा पोर्ट सोमालिया। ऐसे ही इधर एरिट्रिया था, एरिट्रिया इसका एक पोर्ट पड़ा था, अस्मारा कैपिटल थी और पोर्ट था मसावा, मसावा पोर्ट। ऐसे ही ये केनिया है, इसके नीचे केनिया का पोर्ट क्या था? केनिया का पोर्ट मोम्बासा। केनिया का पोर्ट क्या था? मोम्बासा। इधर तंजानिया का दर ए सलाम, दर ए सलाम। ऐसे ही ऊपर लीबिया का बताओ, इधर लीबिया है, लीबिया देश का पोर्ट क्या था? लीबिया का था बेंगाजी, बेंगाजी पोर्ट। ऐसे ही इधर इस रीजन में देखो, ये जा रही नाइल रिवर तो इसका ये पोर्ट बन रहा है इधर, और ये जो एरिया है ये पानी दिख रहा है आपको, दिस इज स्विस कैनाल, है ना। तो इसका पोर्ट कौन सा है? नाइल रिवर का एलेक्सेंड्रिया, और पोर्ट शहीद किसका है? पोर्ट शहीद, पोर्ट शहीद किसका है? स्विस कैनाल का पोर्ट, ठीक है ना। और एलेक्सेंड्रिया किसका है? नाइल रिवर का पोर्ट, ठीक है। स्विस कैनाल के चार लेक बता देना, स्विस कैनाल के चार लेक कौन कौन से? अल मंजिला, इसके बाद तिमशा, इसके बाद ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर, ठीक है। जैसे यहां नाम लिखा है सहारा, वैसे यहां देखो ऊपर डेजर्ट है, यहां थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है इस रीजन में, है ना, मतलब पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। तो यहां भी एक नाम लिखा था, हमने लिखा था ग्रीन वॉल, सहारा डेजर्ट की ग्रीन वॉल के लिए एक नाम याद रखना था, क्या नाम था उसका? साहिल, साहिल ऐसी लिखा भी है एटलस में, साहिल, ठीक है साहिल। इसका क्या नाम है भाई? ये क्या है, क्या है? मेडागास्कर। यहां देखो ये दो आइलैंड दिख रहे हैं, इधर भी दो आइलैंड दिख रहे हैं, और रीजन में दिख रहे हैं। ये कौन से? सेशेल्स, मॉरिशियस, दिस इज कॉमोरोस, ठीक है। और क्या पूछे? ये बताओ कि हमने इस क्षेत्र में कौन से देश का क्षेत्र है? नाइजीरिया है। सर हमने मिनरल रीजन लिखा था, यहां पे एक नाम लिखा था मिनरल के लिए, आयरन के लिए, कौन सा नाम था वो? क्या नाम था? इनुगू, इनुगू। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में दो नाम पड़े थे, कोल के लिए और आयरन के लिए, दो नाम पड़े थे, क्या क्या थे? एक नाम था नेटल और एक नाम था ट्रांसवाल, ठीक है। नेटल एंड ट्रांसवाल कहां है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एक हमने यहां रिवर पढ़ी थी, देखो ये नामीबिया है ना, तो इधर एक रिवर जा रही है साउथ अफ्रीका नामीबिया के बॉर्डर के पास, और एक यहां से जा रही थी इधर, इसका नाम था ऑरेंज, इसका नाम था लिम्पोपो। यहां हमने देख लिया कॉन्गो है, यहां नाइजर थी। एक और थी इस रीजन में,
इधर ऐसे जा रही है जिसमें करीबा वाटर होल है, जाम्बेजी रिवर, ठीक है जाम्बेजी रिवर। अगर मैं पूछ दूं कि ईस्ट लंदन पोर्ट, अगर पोर्ट एलिजाबेथ कहां है, कौन से देश में है, तो आंसर आएगा यहां है सर, साउथ अफ्रीका में है दोनों, पोर्ट एलिजाबेथ हो या ईस्ट लंदन पोर्ट, है ना, डरबन के संग तीन पड़े थे ना, डरबन पोर्ट एलिजाबेथ एंड ईस्ट लंदन कहां है, तीनों साउथ अफ्रीका, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, जो हमारा नया कॉन्टिनेंट हमें स्टार्ट करना है, नाम है इसका यूरोप। देखो अभी तक कहां थे हम, अफ्रीका में थे, और अफ्रीका से हमें कहां जाना है, अफ्रीका के नॉर्थ में जाना है, मतलब इंडिया है, देखो ये इंडिया दिख रहा है हमारा भारत, भारत से कहां जाने, वेस्ट की तरफ, तो सुना भी होगा हमने वेस्टर्न नेशंस, वेस्टर्न कंट्रीज, उसी रीजन में हम जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आ गए इधर, कहां ये यूरोप, कितना रीजन है यूरोप का, लगभग ये जो क्षेत्र है पूरा, ऐसे ये डेनमार्क, ये जो है ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, ये डेनमार्क का है, और ये जो रीजन है पूरा ठीक है, ये क्या है पूरा यूरोप, मतलब रशिया का आधा हिस्सा है और बाकी इधर पूरा वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो सब यूरोप में। अब इनकी डिटेलिंग करनी है हमें, लगभग 50 कंट्रीज हैं इस रीजन में, तो सबको हमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, अब तो सबको पता चल ही गया है कि पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे, कि धीरे धीरे हम लोग कुछ बनाएंगे सर ट्रिक, उसके बाद इसको करते रहेंगे चालू, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि सबसे पहले एक कंट्री है इधर इस रीजन में, पहले थोड़ा सा इस वक्त दिखा देता हूँ रफली, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे पॉलिटिकल की अपने मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अपने नॉर्मल बोर्ड पे। तो क्या करना है, अपनी एटलस खोल लीजिए, एटलस में यूरोप खोल लो, यूरोप का पॉलिटिकल मैप तैयार रखो, ठीक है तैयार हो गया। देखो मैं यहां बता दे रहा हूं आउटलाइन कि हम लोग कैसे जाना स्टार्ट करेंगे, कि जब मैं दूसरे मैप पे शिफ्ट करूंगा दूसरे बोर्ड पे तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए जो पॉलिटिकल मैप आपको दिख रहा है यूरोप का, उसमें देखिए यहां पर नाम लिखे हैं, ऊपर से शुरुआत है इधर नॉर्वे लिखा हुआ है, इधर सबसे ऊपर नॉर्वे लिखा हुआ है, इधर ऐसे ऊपर है स्कैंडिनेवियन रीजन बोलते हैं, इधर जाओगे तो देख लो पहला पॉइंट नॉर्वे, ठीक है नॉर्वे देश, नॉर्वे देश कौन सा पूरा लिख देना हम नॉर्वे, ठीक है नॉर्वे से टच करता हुआ जाना, कहां देख रहे हैं एकदम यूरोप के नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है ना यूरोप के मैप में, नॉर्वे से टच करता हुआ एक देश है, नाम है इसका स्वीडन, स्वीडन पहले नॉर्वे देखो फिर स्वीडन देखो, अभी उनकी डिटेलिंग नहीं देखना है, सिर्फ देश देखिए और ज्यादा से ज्यादा उसकी कैपिटल देख लो, बाकी अपनी कॉपी में पॉइंट बनाओ नॉर्वे एंड स्वीडन, पॉइंट बना दे रहा हूं कंट्रीज के, कंट्री के जितने नाम हो जाएंगे तो उनकी डिटेलिंग उसमें लिखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला क्या हो गया नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, इसके बाद क्या है इधर देखिए थोड़ा पीछे पानी आ रहा है, एक वाटर बॉडी है, उसके बाद इधर है फिनलैंड, ठीक है ना फिनलैंड, इधर गल्फ ऑफ बोथनिया है, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, अभी पानी में नहीं देखना है, वाटर बॉडी फिजिकल में पढ़ेंगे, बट तीन नाम देखो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, देखो मैं लिख देता हूं तीनों नाम, पहला नाम नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, ठीक है नॉर्वे की कैपिटल आपको दिख रही होगी, नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, देखो फटाफट इस रीजन में मिलेगी, अभी दूसरे नाम में दिखाऊंगा, पहले एक बार इससे रफ आइडिया देखें, नॉर्वे की कैपिटल दिख रही है आपको ऑस्लो, ठीक है ऐसे ही इस रीजन में स्वीडन की कैपिटल दिख रही है
स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, और फिनलैंड की कैपिटल देखो देखा होगा हेलसिंकी, हेलसिंकी। देख लो ये तीन नाम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी। ठीक है, देखिए नॉर्वे, दिस इज यहां तीन देश जो हमने देखे। सबसे पहले नॉर्वे नाम लिखा हुआ है, कैपिटल ऑस्लो, दिस इज ऑस्लो। उसके बाद स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम, एंड उसके बाद फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी। ठीक है, तीन देश हो गए कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ऑस्लो कैपिटल नॉर्वे की, स्टॉकहोम कैपिटल स्वीडन की, एंड हेलसिंकी कैपिटल फिनलैंड की। इसके बाद तीन देश के नीचे आओ, कौन सा देश उठाओ, यह देखो लिखा हुआ बड़ा बड़ा डेनमार्क, देखिए लिखा हुआ डेनमार्क। डेनमार्क में कैपिटल दिखेगी कोपेनहेगन, क्या दिखेगी, कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, देख लो फटाफट, देख लो फटाफट, याद करना इनको, याद करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, सारे नहीं करवाऊंगा बट जहां तक जो इंपॉर्टेंट है वो हमको याद करनी है। ठीक है, कैसे करनी है कि हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा, तीन देशों के नाम देख लिए, ऐसे मैं ऐसे बता दूं, एक दो तीन, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा देश, नॉर्वे, इसके बाद ऊपर वाला बीच वाला मतलब स्वीडन, इसके बाद इधर था फिनलैंड, ठीक है ना। नॉर्वे के बटल यहां पर याद हो रही है, नाम है इसका ऑस्लो, स्वीडन की भी याद हो रही थोड़ी थोड़ी, दोनों एस एस, स्टॉकहोम, ठीक है, और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, हेलसिंकी। नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी। उसके बाद नया पढ़ लिया एक, डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, कौन सा पढ़ लिया, डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन किसकी, डेनमार्क की कैपिटल। ठीक, इसके आगे आ जाओ, अब देखो एक थोड़ा ट्रिक से पढ़ना है हमें कि इधर बहुत सारे देश हैं और ऐसे देश हैं कि इनके बाउंड्री भी जो है ना एकदम लगे हुए हैं, इतने से देश में, इतने से कॉन्टिनेंट में 50 देश। अफ्रीका देखो बहुत बड़ा था, अफ्रीका हमने देखा बहुत बड़ा था, 54 कंट्रीज थी, ये बहुत छोटा है उससे, बट कंट्रीज यहाँ भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो मतलब क्या कहते हैं करीबी है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत पास पास चिपके हुए हैं, तो हमें थोड़ा ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक देश उठा रहा हूं, इसका नाम है जर्मनी, ये देखो ये ना दिख रहा है, दिस इज जर्मनी, और कलर कर दो, ये देश है कौन सा देश, जर्मनी, जर्मनी। ठीक है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जर्मनी से क्लॉकवाइज मतलब जर्मनी के राइट में ऐसे चलते जाएंगे, अब जर्मनी के क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है ऐसे से करके, वैसे जर्मनी बीच में रखा, और राइट के जो देश हैं उनको देखते जाएंगे ताकि ऑर्डर हो जाए कि हमें कैसे याद करना है, कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला नाम जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल देखो अपने पॉलिटिकल मैप में लिखा हुआ है बर्लिन, और जब आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, उसका स्टॉकहोम कैपिटल, और स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, नीचे आ गए जर्मनी कैपिटल बर्लिन, और जर्मनी को हमने एक मेन देश माना है, उसको उठा के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे आ जाओ, राइट में पहला जो देश है नाम है इसका पोलैंड,
बड़ा ही सुना होगा अभी करंट अफेयर जो फॉलो करेगा उसने बिल्कुल सुना होगा कि भैया पोलैंड यूक्रेन रशिया जब वॉर हो रहा था तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे वो पोलैंड से ही फ्लाइट्स पकड़ के वापस आए, ठीक है ना। तो देखो भाई नाम पोलैंड, कैपिटल लिखिए यहां वॉर्सो, देश का नाम है, देश का क्या नाम है पोलैंड, और कैपिटल है इसकी वॉर्सो। इसके पहले एक देश का नाम आ गया जर्मनी, जर्मनी कैपिटल क्या आ गई बर्लिन, जर्मनी बर्लिन पोलैंड वॉर्सो। इसके बाद नीचे आ जाइए, इसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पे एक देश लिखा हुआ है, ये रहा देखो अपनी एटलस में, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य ऐसे लिखा हो हिंदी की अगर किसी के पास एटलस होगी तो चेक गणराज्य लिखा होगा, चेक रिपब्लिक। और कैपिटल देखो इसकी, कैपिटल फेमस है बहुत, प्राग, प्राग, परागुए नहीं बोलते हैं इसे, परागुए, परागुए नहीं है ये प्राग है, प्राग बल्कि प्राग बोलते हैं, और थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश एक्सेंट में, ठीक है। अगला देश आ गया पोलैंड के नीचे कौन सा आया, चेक रिपब्लिक, कैपिटल इज प्राग, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे, इधर एक देश दिख रहा है ये ना, देश का नाम ऑस्ट्रिया, ठीक है, देश का नाम क्या है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, और कैपिटल वियना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल पर्यावरण के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर हेडक्वार्टर्स एनवायरमेंट की जो बॉडीज होती हैं उनके ज्यादातर हेडक्वार्टर्स आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। और एक कन्वेंशन भी है वियना कन्वेंशन, जब आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो सब पढ़ने में आएगा वाला। देखो पहले क्या हो गया, कौन सा देश उठाया जर्मनी, जर्मनी के राइट में गए तो क्या आया पहला पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, फिर पोलैंड के नीचे आए तो देश आया चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग, उसके नीचे आए देश उठा लिया ऑस्ट्रिया, कैपिटल वियना, ठीक है वियना। उसके बगल में आ जाओ एक देश है लिखा हो स्विड्स, स्विड्स नाम भी इसका चार से लिखा रहता है स्विड्स, और पता होगा सबको स्विट्जरलैंड बोलते हैं जैसे स्विट्जरलैंड, ठीक है बहुतों की इच्छा होगी जाने की स्विट्जरलैंड। और कैपिटल है, कैपिटल लिख के जाओ बर्न, क्या है कैपिटल, कैपिटल क्या है इसकी ये लिखी हुई है बर्न, स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न, ठीक है। देखो रिवाइज करते हैं फिर से, सबसे पहले हमने तीन देश देखे कौन कौन से, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे की कैपिटल थी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी। ये मैं एंड में पूरा बनाऊंगा बट अभी रिमाइंड कराओ खुद को, बस याद करो। इसके बाद इनके नीचे एक देश देखा था ऐसा छोटा सा निकला हुआ इधर, डेनमार्क फैला हुआ था देश था, डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल क्या थी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। इसके बाद एक बड़ा देश था जो हमने उठाया था जिसको हमने पिक किया था इधर, ये वाला अभी दिखेगा उसमें, नाम है इसका जर्मनी, जर्मनी उठाया था ना, जर्मनी पहले हो गया तीन, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी। इसके नीचे आ गए डेनमार्क कोपेनहेगन, उसका देश उठाया जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बर्लिन, बर्लिन, ठीक है ना। फिर जर्मनी उठाया था सर, हाँ सर याद आ रहा है, फिर जर्मनी साहब ने बोला था कि हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे, ये तो बोला था, तो जर्मनी से क्लॉक वाइज जाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले राइट में कौन सा देश आया,
पोलैंड। सबसे पहले राइटर कौन सा देश आया? पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या थी? वॉरसो। पोलैंड की कैपिटल वॉरसो। इसके बाद पोलैंड के नीचे बट जर्मनी से टच करता हुआ दूसरा देश कौन सा आया? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, उसकी कैपिटल क्या हो गई? प्राग। प्राग हो गई, प्राग, पान पराग नहीं, प्राग है कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एक और देश थोड़ा नीचे की तरफ इससे जुड़ा हुआ जर्मनी से टच कर रहा है वो भी देश, भी देश का नाम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। वियना कैपिटल क्या हो गई? वियना। इसका एक और फेमस स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कैपिटल हो गई बर्न। अभी यहां किसी को बीच में एक और नाम दिख रहा होगा लिंचस्टाइन नाम टाइप का, तो अभी परेशान मत होना, अभी हम उस पर आएंगे लौट के, बट अभी बड़े बड़े जो देश हैं वो देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे याद, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और कोई तरीका होता ही नहीं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर डेनमार्क, फिर एक बड़ा उठाया आपने सब जर्मनी, जर्मनी का पोलैंड, उसके बाद चेक रिपब्लिक, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद कौन सा उसके इधर स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहां तक आ गए हम स्विट्जरलैंड। अब इसके आगे चलते हैं, देखो हम लोग यहां आ गए स्विट्जरलैंड पे, इतना रीजन, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड के और आप लेफ्ट में देखेंगे, स्विट्जरलैंड के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट की तरफ एक नाम लिखा हुआ है फ्रांस। ये तो सुना है तुमने, फ्रांस, ये तो नया देश नहीं है किसी के लिए। अरे फ्रांस से मुझे याद आ रहा है कि साउथ अमेरिका में हमने एक ओवरसीज टेरिटरी पढ़ी थी, मतलब एक फ्रांस की टेरिटरी थी साउथ अमेरिका में। क्या नाम था उस देश का बताओ? उस देश का नाम क्या था जो साउथ अमेरिका में पढ़ा था? फ्रेंच से ही था कुछ, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो आ जाओ वापस, फ्रांस कैपिटल पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो गई? पेरिस। उसके बाद एक और छोटा सा देश है बट ये दिख रहा है कम से कम, इसको देख लो, देश का नाम है आपकी एड्रेस में शायद लक्ष्य लिखा हो, लक्ष्य कभी कभी लक्ष्य लिखा रहता है, साउंड नहीं है, ठीक है, पूरा देश है लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग, खुश हो गए वरना ये साउंड की बात हो गई, लक्जमबर्ग, ठीक है। लक्जमबर्ग कैपिटल लक्जमबर्ग सिटी, नहीं याद रखनी। फ्रांस पेरिस, छोटा सा लक्जमबर्ग, इधर आ जाओ देश लिखा हुआ है एक बेल्जियम। बेल्जियम कैपिटल लिखी है इसकी ब्रुसेल्स। बेल्जियम ब्रुसेल्स, सब किससे टच कर रहे हैं? जर्मनी से। अभी हम जर्मनी की घूम रहे हैं अराउंड में, ठीक है। अगर मैं जर्मनी हूं तो इधर पोलैंड, इधर चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस, फिर लक्जमबर्ग, फिर बेल्जियम, हो गया बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स। इसके ऊपर एक और देश ये देख लो, ये टच कर रहा है जर्मनी से, सुना है सबने, नीदरलैंड। नीदरलैंड जिन्हें डच बोलते थे, डच मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सुनने में आएगा, डच, डच आए थे भारत। और कैपिटल है इसकी एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम नीदरलैंड एंड एम्स्टरडैम, देख लिया? एक बार ढंग से देख लो एटलस में, हमने अभी तक कुछ नाम देख लिए हैं, पहले देख लिया नॉर्वे, फिर देख लिया स्वीडन, फिर देख लिया फिनलैंड, इसके नीचे डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स। अभी रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, बिना याद भी मानते नहीं हूँ। आगे बढ़ो, कैसे करेंगे याद? ऐसे करेंगे, कॉपी में आपको बनाना है बार बार। देखिए
तीन देश कौन कौन से पड़े ऊपर? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कैपिटल ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी। फिर इन दोनों के नीचे पड़ा इधर कहीं डेनमार्क लिखा हुआ था, याद करो माइंड मैप बनाना है, माइंड मैप कैसे था? डेनमार्क लिखा हुआ था। कैपिटल क्या थी डेनमार्क की? कुछ पेन जैसा था सर, पेन, कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन। इसके बाद एक देश उठाया था बड़ा सा, नाम था इसका जर्मनी। कौन सा उठाया था? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ये तो पता रहती है, हिस्ट्री पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। इसके बाद आइए राइट की तरफ, राइट से घूमना स्टार्ट किया था ना, तो पहले देशों के नाम लिख लो। सबसे पहला देश पोलैंड था, पोलैंड था, ठीक है। इसके बाद चेक रिपब्लिक था सर, चेक रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। इसके बाद स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड था। इसके बाद आ जाएंगे सर, तो इधर बड़ा बड़ा फ्रांस था, इधर छोटा सा लक्स, लक्समबर्ग नाम का था, इधर था एक बेल्जियम, और इधर था एक नीदरलैंड, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए? जर्मनी से घूमना स्टार्ट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 देश याद रखने। जर्मनी के अराउंड में कितने देश थे? 8 देश। कौन कौन से? पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है। इन सबकी कैपिटल याद करनी है, करनी है, ठीक है। देखो पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, याद करते जाओ, रफ कॉपी एक बार जब पेटला से मार्क कर लिया है उसका रफ कॉपी उठा लो अपनी और शुरुआत हो जाओ उसे बनाना, ऐसे ही याद खुद से बनाओ। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, चेक रिपब्लिक की प्राग, ठीक है, ऑस्ट्रिया की इंपोर्टेंट बताई थी वियना, वियना, ठीक है, स्विट्जरलैंड की बर्न, फ्रांस की पेरिस, तो पता ही होगी फ्रांस की पेरिस, लक्जमबर्ग की लक्जमबर्ग सिटी उसी नाम से, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, ठीक है। घूमने जाना होता है जिसको, ज्यादातर लोग आप पूछें कहाँ जाना है, एम्स्टर्डम जाना है, कहाँ है एम्स्टर्डम ये नहीं पता हमें, ठीक है ना, कहाँ है? नीदरलैंड में है। और कॉन्टिनेंट पूछ ले तो यूरोप पढ़ रहे हैं, यूरोप के पास है, तो यूरोप में है, जर्मनी के पास है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब मैं यहां के वहीकर बताता हूं फिर दिखाऊंगा। फ्रांस से एक रास्ता गया इधर, फ्रांस से एक रास्ता इधर गया है थोड़ा वेस्ट की तरफ, वहां पे आपको दो नाम मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा स्पेन और एक मिल जाएगा पोर्टुगल, पुर्तगाल, वही पुर्तगाल, पोर्टुगल, ठीक है। एक मिल जाएगा नाम स्पेन, एक मिल जाएगा पुर्तगाल। देखो कहां है, ये है फ्रांस, दिस इज फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस से मैंने बोला एक रास्ता वेस्ट की तरफ गया थोड़ा सा, तो पहला देश जो आ रहा है वेस्ट का उसका नाम है स्पेन, ठीक है। और स्पेन की कैपिटल बड़ी फेमस, जल्दी जाहिर कैपिटल है पर फिर भी, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। क्या है कैपिटल? मैड्रिड। फुटबॉल प्रेमी अगर कोई होंगे तो उन्हें तो बिल्कुल पता होगा, ठीक है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। फिर एक देश है इधर आखिरी पुर्तगाल, कैपिटल लिस्बन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्टुगल, ठीक। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या किया? तीन देश पढ़े, फिर नीचे जर्मनी को उठाया, फिर उसके अराउंड 8 देश पढ़ लिए, मतलब डेनमार्क को मिला के 9 हो गए, वैसे 8 देश पढ़ लिए। फिर फ्रांस से हम इस रास्ते पे आ गए सर, स्पेन की तरफ और पुर्तगाल की तरफ, ठीक है। बट अभी तो हमने कुछ थोड़ी सी भीड़ क्लियर करी है, देखो लगभग ये जो हिस्सा है ये तीन देश वाला,
और यार बाकी इधर वाला ये भी हमने लगभग क्लियर कर लिए। कैसे, ये देखो ये तीन, एक दो तीन, यहाँ से घूम के आओगे तो यहाँ से पोलैंड भी पड़ लिया है, पोलैंड को लेते हुए चेक रिपब्लिक से, ऑस्ट्रिया से, इधर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये रीजन हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ी भीड़ इस क्षेत्र की है, बीच की, इस रीजन की, और यही वो भीड़ है जहां पर इंसान आके ऐसे पेन रख देता है कि अब हो गया यूरोप, हमने पढ़ लिया यूरोप, इसके आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे नाम है कि आपको याद तो ठीक है बट बोलने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना एक देश का नाम है तो बोलने में समय लगता है, तो उससे घबराना नहीं है। ये नाम हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो इन्हें समय देना है, समय लगेगा, समय लेने दो, ठीक है ना, उसे समय लेने दो उन शब्दों को, तभी वो याद भी हो पाएंगे। जितना आपने सही टाइम दे दिया उतने ही ये बहुत देर तक टिकते भी हैं, जल्दी जाते नहीं है, ये रुके रहेंगे आपके साथ। देश के अगर एक बार नाम याद कर लिए तो लगभग आपने पूरा करंट अफेयर्स की जो यूरोप की खबरें आती रहती हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कौन सा देश, रोमानिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, वॉर कहाँ हो रहा है, सब साफ ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से सब साफ कर लिया आपने, मतलब सब क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं, देखो देखते जाओ। पहले देखो एक चीज, जैसे हमने क्या किया था, अभी हमने जर्मनी को पिक किया था, किसको पिक किया था, हमने जर्मनी को पिक किया था, और इधर पोलैंड से लेके चेक रिपब्लिक से लेके ऑस्ट्रिया से लेके स्विट्जरलैंड से लेके फ्रांस से लेके लग्जमबर्ग से लेके ब्रुसेल से लेके इधर नीदरलैंड से लेके ऊपर डेनमार्क से लेके सब कवर कर लिया था। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिए ध्यान से, कि जर्मनी के बाद हम ऑस्ट्रिया को पिक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया हमारा ब्रिज है, एक प्रकार का कनेक्टिंग लिंक है, और ऑस्ट्रिया को पिक करके हम कहां जा रहे हैं, एक मेन देश हंगरी में जा रहे हैं, हंगरी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जर्मनी पिक किया था, नौ देश देख लिए थे, फिर हमने क्या किया उनमें से एक ऑस्ट्रिया उसको पिक कर लिया है, उस ऑस्ट्रिया से हम इधर एक देश लिखा हुआ बीच में नाम हंगरी, अभी मैं दिखाऊंगा हंगरी, ठीक है ना, हंगरी लिखा हुआ है, उस हंगरी पे जाके देखेंगे। देखो ये है हमारा ऑस्ट्रिया, दिस इज ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रिया है। अब हम कहां जा रहे हैं, हम इस सीजन में जा रहे हैं, हमने एक देश चुन लिया है हंगरी, हंगरी या हंगरी, हंगरी वही है हंगरी, भूख वाला, भूख लग रही है सर, हाँ सर शाम का समय हो रहा है, हंगरी तो हम भी हो रहे हैं, पर होना नहीं है हंगरी, देखना है पढ़ना है हंगरी। देखो हंगरी की कैपिटल, देखो एक नाम लिखा है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। अब खाना खाना है, हंगरी हो रहा है तो पेस्ट तो करने पड़ेगा ना इंसान को, तो एक बुड्ढा इंसान है जो पेस्ट कर रहा है, तो हंगरी में एक जगह है, कैपिटल है उसकी बुडापेस्ट। ठीक है, अब हंगरी की ट्रिक कैसी है याद करने की, देखो ऐसी ट्रिक है, जैसे कि ये हंगरी है, मैं मान लेता हूं कि ये मैंने हंगरी बना दिया है, ये मैंने हंगरी बना दिया है। ठीक है, यहां से कौन सा टच कर रहा था, ऑस्ट्रिया टच कर रहा था, ये समझ में आ गया। इसके अलावा यहां छह देश और हैं, ठीक है, कैसे कैसे, एक इधर है, एक इधर है, इस रीजन में, इसको छोड़ दो अभी, ऑस्ट्रिया को रख रहे हैं दो। इसके अलावा छह देश और हैं हंगरी के पास, एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, दो हैं बड़े बड़े से, इसे बनाता हूं बड़े बड़े देश, ठीक है, और दो इधर हैं, क्या कह रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ऐसे है कि ये हंगरी है, हंगरी के पास ऊपर एक देश है, इधर एक देश है, इधर एक देश है, इधर एक देश है, दो नीचे देश है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम सोचो, हंगरी के पास एक ऊपर देश, एक इधर देश, पहले किसको बनाया, इसको, इसको एक संग बनाया,
ग्यारह पहला देश, एक दूसरा देश, फिर ये दो एक संघ बनाए, तो ये दोनों बड़े देश, और ये दो एक संघ बनाए सबसे एंड के पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नाम कि हंगरी के ऊपर आपको एक नाम दिख रहा होगा स्लोवाकिया, मैं इसको अंडरलाइन कर हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज ए स्लोवाकिया। हंगरी के ऊपर देखो, हंगरी के ऊपर पॉलिटिकल मैप में एक नाम लिखा हुआ है स्लोवाकिया, और इसके संग मैंने इसको बनाया था ना, तो इधर एक नाम लिखा हुआ है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। देखो ई और ए, एबीसीडी में ए पहले आता है तो ए ऊपर है, ठीक है। हंगरी बनाया, हंगरी से ऊपर एक देश है स्लोवाकिया, नीचे एक देश है स्लोवेनिया, ओके स्लोवाकिया स्लोवेनिया। इसके बाद हमने इन दोनों को साथ में बनाया था, ये दो देश थे, ठीक है, ये दो देश थे ना, इनका नाम है, ये तो सुना हुआ बड़ा ही नाम, यूक्रेन, यूक्रेन रोमानिया, दोनों ही बड़े देश हैं। अभी दिखेंगे, देखो अभी इसको मैं ज़ूम करूंगा तब दिखेगा आपको। पहले याद करना है हमें, पहले हंगरी बनाया, हंगरी के ऊपर पहले दो देश एक संग बनाए, ऊपर वाले का नाम स्लोवाकिया फिर स्लोवेनिया, फिर हंगरी के ईस्ट की तरफ दो देश और बनाए बड़े बड़े, यूक्रेन ऊपर नीचे रोमानिया, ठीक है। फिर दो नाम और बचे हैं, ये जो बताया मैंने इधर वाला स्लोवेनिया के पास वाला, इधर भी नाम है क्रोएशिया, क्रोएशिया कौन सा सी एस, जैसे ये क्रोएशिया एंड दिस इज सर्बिया। सर ये कैसे ट्रिक हुई, आप तो याद करा रहे हो, तो याद ही करना है ना, कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, ठीक है ना। क्या क्या कर लिया देखो फटाफट, चलो छोटा कर देते हैं, पहले एक बार हंगरी वाला देख लेते हैं फिर पूरा देखेंगे। देखो ये हंगरी है ना, ये हंगरी इधर ऊपर है कौन सा स्लोवाकिया, इधर नीचे है स्लोवेनिया, ठीक है, इधर दो बड़े बड़े यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है ना, इधर दो बचे हुए थे, दो ही तो बचे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से, इधर वाला क्रोएशिया मतलब सी एस क्रोएशिया एंड दिस इज सर्बिया। देखो ऐसे तोड़ तोड़ के याद करना पड़ेगा तभी याद हो जाएगा, और कब याद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बस याद हो गया, एंड में रिजल्ट आता है कि याद हो गया है। कैसे, पहले तीन देश नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, इसके बाद एक देश डेनमार्क, छोटा सा डेनमार्क, उसके बाद एक बड़ा देश उठाया हमने, नाम था उसका जर्मनी, कौन सा नाम था जर्मनी, जर्मनी से क्या किया राइट की तरफ घूमना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इधर एक नाम आ गया पोलैंड, ठीक है, इधर एक नाम आ गया चेक रिपब्लिक, इधर एक नाम आया ऑस्ट्रिया, इसके बाद स्विट्जरलैंड, इसके बाद फ्रांस, इधर लग्जमबर्ग, इधर बेल्जियम एंड इधर नीदरलैंड, ठीक है, कौन कौन से, पोलैंड चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड फ्रांस लग्जमबर्ग बेल्जियम नीदरलैंड। फिर फ्रांस से एक रास्ता गया था, फ्रांस से एक रास्ता गया था, उन्हें फ्रांस से इधर ले गए थे स्पेन, और इधर ले गए थे पुर्तगाल पोर्टुगल, ठीक है ना, इतना तो याद हो गया है, पक्का हो गया है। तीन देश ऊपर नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, फिर डेनमार्क आ गया, जर्मनी उठाया, पोलैंड चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड फ्रांस लग्जमबर्ग बेल्जियम ऊपर नीदरलैंड, फिर फ्रांस को पकड़ा स्पेन की तरफ गए, स्पेन से पुर्तगाल की तरफ गए, ठीक है। फिर हमें याद है हमने ऑस्ट्रिया को पिक किया था सर, ऑस्ट्रिया से ब्रिज बनवाया था, ब्रिज है ना, ऑस्ट्रिया से ब्रिज बनवाया था कहां जाने के लिए, हंगरी जाने के लिए, कहां जाने के लिए,
हंगरी जाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी ना तो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर उन्होंने ऐसे लिखे थे एक देश और दो देश साथ में, इधर दो थे सर बड़े बड़े वाले और दो नीचे बज रहे थे, ठीक है। पहले ये दो बनाए थे ऊपर ऐसे, इधर दो बड़े बड़े और दो नीचे, ऊपर वाला स्लो वाकिया, नीचे वाला स्लो वेनिया, इधर यूक्रेन, इधर रोमानिया, इन दोनों का क्या था सीएस, क्रोएशिया एंड दिस इज सर्बिया, क्रोएशिया एंड सर्बिया। हो रहे हैं यार, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएंगे। अभी इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं, फिर कल इसको मैं और ढंग से रिवाइज करवाऊंगा। देखो अभी आप इतने देशों की कम से कम कैपिटल मार्क करके रख लीजिए, कल मैं इसको याद करवाऊंगा और जब हम रिवाइज करेंगे तो याद हो भी जाएगा धीरे धीरे। हंगरी की देख लीजिए, हमने कैपिटल थी क्या बुडापेस्ट, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट। हंगरी के बाद देश पड़ा था ऊपर स्लोवाकिया और नीचे स्लोवेनिया। तो देखो स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेटिस्लावा लिखी होगी, ब्रेटिस स्लोवाकिया है ना वाकिया वाला, तो ब्रेटिस्लावा लावा है, लावा वी ए वाले बहुत है यहाँ, देखो एक ए दो ए और तीन ए ऐसे ब्रेटिस्लावा। ऐसे ही जो इधर था नीचे स्लोवेनिया, स्लोवेनिया उसकी कैपिटल है जुबलीजाना, ई साइलेंट है उसमें, ई से स्टार्टिंग है स्पेलिंग की बट बोलते हैं उसे जुबलीजाना। स्लोवेनिया की कैपिटल जुबलीजाना, ऊपर वाले स्लोवाकिया की ब्रेटिस्लावा, स्लोवेनिया की जुबलीजाना, मार्क कर लीजिए। इसके बाद कहां गए थे दो बड़े देश यूक्रेन एंड रोमानिया, तो यूक्रेन की कैपिटल कीव, बहुत ही फेमस हो चुकी है तो याद भी है, यूक्रेन की कैपिटल कीव और रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, बुखारेस्ट ठीक है। ज्यादा खा लोगे उल्टा सीधा तो बुखार आ जाएगा, फिर रेस्ट करना पड़ेगा, तो बुखारेस्ट कहां पे रोमानिया में। हंगरी से दो हो गए ऊपर, स्लोवाकिया स्लोवेनिया यूक्रेन रोमानिया, दो बचे कौन कौन से सर्बिया बचा एक तो, और एक घर ये बचा क्रोएशिया, सर्बिया एंड क्रोएशिया। सर्बिया में जो हो रही है ना बेल हो रही है, बेल कैपिटल है इसकी बेलग्रेड, सर्बिया की बेलग्रेड और क्रोएशिया की जेग्रेव, एक जैसे नाम है बेलग्रेड, बट बेल से याद रखो बेल कहां है सर्बिया की, सर्बिया की घंटी बज रही है, मतलब सर्बिया की बेल बज रही है। सर्बिया में बेलग्रेड, क्रोएशिया की जेग्रेव, सर्बिया बेलग्रेड क्रोएशिया जेग्रेव, ठीक है। आज के लिए हमने सारी कैपिटल्स देख ली हैं, अभी तक हमने देखो कितना कवर कर लिया है यूरोप, थोड़ा आपको दिख भी जाएगा। यहां ऊपर के तीन देश देख लिए, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये डेनमार्क जर्मनी पोलैंड चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड फ्रांस बेल्जियम नीदरलैंड स्पेन पोर्टुगल, ठीक है ना। फिर यहां से आगे हंगरी स्लोवाकिया स्लोवेनिया यूक्रेन रोमानिया सर्बिया एंड क्रोएशिया, लगभग लगभग अच्छा खासा हिस्सा कवर कर लिया है। इसका थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कल, ठीक है। देखो आज इसको फिर यहीं पे खत्म करते हैं, अभी कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है आज यूरोप की पॉलिटिकल में, आधा कवर कर पाए हैं, कल इसको पूरा करेंगे, फिर धीरे धीरे इसके फिजिकल फीचर्स की तरफ आगे जाएंगे। सर की अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सर हैं, उसके बाद आपकी क्लास एक दो दिन में नॉर्मल से कंटिन्यू हो जाएगी। ओके गुड नाइट, थैंक यू। आज हमने यूरोप की पॉलिटिकल कंट्रीज को स्टार्ट कर दिया है और लगभग आधी कंट्रीज हमने कवर कर ली है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज हमको जरूर बताइए कमेंट्स में, और जो भी आपके डाउट हैं वो जरूर हमसे पूछते रहिए, ताकि हमारा इंटरेक्शन जितना होगा उतना ही हम आपसे बढ़ाना चाहेंगे। और हमारे इस चैनल को YouTube चैनल को दृष्टि IAS PCS पाठशाला को अकेडमी को शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।